हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अच्छे वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि अनबायस्ड ट्रांजिस्टर क्या होता है। यहाँ हम लोगों ने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है। ट्रांजिस्टर चाहे NPN हो या PNP ट्रांजिस्टर हो, उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है एमिटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। NPN ट्रांजिस्टर कब फॉर्म होता है? जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच किया जाता है। अब एमिटर का काम क्या है? एमिटर जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करता है बेस में, और कलेक्टर क्या करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एमिटर से आ रहे हैं बेस के थ्रू, उसको कलेक्ट करता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो विड्थ है एमिटर रीजन का, वो बेस और कलेक्टर रीजन के बीच में है, और बेस रीजन का जो विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और कलेक्टर रीजन का एमिटर रीजन और बेस रीजन से विड्थ ज़्यादा होता है। और अगर डोपिंग की बात करें तो एमिटर रीजन बहुत ज़्यादा हैवीली डोप्ड रहता है, बेस रीजन बहुत लाइटली डोप्ड रहता है, और कलेक्टर रीजन जो है वो मॉडरेटली डोप्ड रहता है। मतलब उनकी जो डोपिंग है वो बेस रीजन और एमिटर रीजन के बीच में रहती है। अब अनबायस्ड ट्रांजिस्टर क्या होता है? जब हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है टर्मिनल्स के बीच में, किसी भी टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर के किसी भी टर्मिनल्स के बीच में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, उस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर है वो अनबायस्ड या ओपन सर्किट स्टेट में कहलाता है। अब देखिए, जब ट्रांजिस्टर को हमने अनबायस्ड कंडीशन में रखा है, उस कंडीशन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं। अब ये फिनोमेना क्या होता है? जंक्शन के जगह पे होता है। यहाँ पे 2 जंक्शन है ट्रांजिस्टर में, एक एमिटर बेस जंक्शन है और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन पे डिफ्यूजन फिनोमेना होगा, मतलब चार्ज कैरियर्स जो हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूव करेंगे, जैसे कि एरो हेड दिखा रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से एमिटर में, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एमिटर से बेस की ओर, और वैसे ही होल्स जो हैं मूव करेंगे बेस से एमिटर की ओर। कहाँ पे? एमिटर बेस जंक्शन पे। और कलेक्टर बेस जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर से बेस की ओर मूव करेंगे, और होल्स जो हैं बेस से कलेक्टर की ओर मूव करेंगे। तो इसके वजह से, इस डिफ्यूजन फिनोमेना के वजह से क्या होगा? डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा। अब डिप्लेशन लेयर क्या होता है? इमोबाइल आयंस का लेयर होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस का लेयर होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 2 डिप्लेशन लेयर फॉर्म होंगे क्योंकि 2 जंक्शन हैं हमारे पास। अब हम लोग जानते हैं जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ होता है वो डोपिंग लेवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर डोपिंग लेवल इंक्रीज हो गई है तो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा, और डोपिंग लेवल कम है तो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा। तो क्योंकि जो बेस रीजन है वो लाइटली डोप्ड होता है, तो डिप्लेशन लेयर बेस रीजन में ज़्यादा पेनिट्रेट करती है एज़ कम्पेयर टू एमिटर या कलेक्टर रीजन। और कलेक्टर की डोपिंग एमिटर से कम है तो उस डिप्लेशन लेयर का जो पेनिट्रेशन है एमिटर से ज़्यादा होगा कलेक्टर में, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। अब इस डिप्लेशन लेयर के फॉर्मेशन के कारण 2 बैरियर पोटेंशियल फॉर्म होंगे एमिटर बेस जंक्शन पे और कलेक्टर बेस जंक्शन पे। अब ये बैरियर पोटेंशियल्स क्या होंगे? बेस की जगह पे नेगेटिव रहेंगे और एमिटर और कलेक्टर की जगह पे पॉजिटिव रहेंगे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि बेस रीजन में नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं, इसीलिए बेस रीजन पे बैरियर पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा, और कलेक्टर और एमिटर रीजन पे ये जो इमोबाइल आयंस हैं पॉजिटिव हैं, इसीलिए बैरियर पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा इन NPN ट्रांजिस्टर।
लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर में बैरियर पोटेंशियल जो है बेस में पॉजिटिव रहते हैं और एमिटर और कलेक्टर में नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर का फॉर्म होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच करने के बाद। अब हम लोग ये जानते हैं कि बैरियर पोटेंशियल जो होता है 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अब वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर हम लोग कब पढ़ते हैं, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में होता है, मतलब जब एमिटर बेस जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कंडीशन में रखते हैं। मतलब जो एमिटर बेस जंक्शन है वहाँ पे जो एन साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड रहेगा और पी साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो एन साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड रहेगा और पी साइड जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन बोलेंगे। अब हम लोग जानते हैं जो फॉरवर्ड बायस है उसके साथ जो डिप्लेशन लेयर है उसका विड्थ कम हो जाता है, वैसे ही जो रिवर्स बायस है उसके साथ जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब हम लोग रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्योंकि बेस रीजन लाइटली डोप्ड है तो जो डिप्लेशन लेयर है वो पेनिट्रेट ज़्यादा डिप्लेशन लेयर में करेगा, इसीलिए जो इफेक्टिव बेस विड्थ है बेस रीजन का वो कम हो जाएगा। अब ये जो बैटरी लगी हुई है एमिटर बेस जंक्शन पे जो फॉरवर्ड बायस अप्लाई हो रहा है बैटरी के थ्रू, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे एमिटर रीजन में बैटरी के थ्रू, और ये जो हैं कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास इनफ एनर्जी है, इतनी एनर्जी है उनके पास कि वो ये बैरियर पोटेंशियल जो है या जो डिप्लेशन लेयर है उसको ओवरकम कर सकें और बेस रीजन पे पहुंच सकें। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिटर रीजन को क्रॉस करते हुए बेस रीजन में पहुंचते हैं और क्योंकि बेस रीजन लाइटली डोप्ड रीजन है यहाँ पे बहुत ही कम ही इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं और ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 1-5% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेस रीजन पे रिकम्बाइन होते हैं और बाकी 95-99% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर रीजन की ओर मूव करते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। अब कलेक्टर बेस रीजन जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में है, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेस और कलेक्टर के बीच में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेस के थ्रू वो इमीडिएटली कलेक्ट हो जाएंगे और कलेक्ट होके कलेक्टर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे और जो कलेक्टर इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर देगा। अब बेस न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हुए थे बेस में उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस इलेक्ट्रोड है वो उतने ही इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है और इसके वजह से एक करंट फ्लो होता है जिसको रिकॉम्बिनेशन करंट बोलते हैं आईबी या बेस करंट बोलते हैं। जहां पे जो इनपुट करंट है इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से वो है आई करंट और रिकॉम्बिनेशन करंट बेस करंट है और आउटपुट करंट जो है कलेक्टर करंट बोलते हैं इसको आईसी। अगर हम लोग बेस नोड पे कच ऑफ्स करंट लो लगाते हैं तो एमिटर करंट जो होगा वो सम होगा बेस करंट का और कलेक्टर करंट का, और जितना फ्रैक्शन एमिटर करंट का एमिटर से कलेक्टर की तरफ पहुंच रहा है उस फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से। इसीलिए जो कलेक्टर करंट है वो हो जाएगा इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एमिटर करंट आई।
अब देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड में। अब एक्टिव मोड में कब रहता है ट्रांजिस्टर? जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है। ईसी जो है वो एनर्जी है कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल का, और ईवी एनर्जी है वैलेंस बैंड के अपर लेवल का, और ये ईएफ जो है फर्मी लेवल एनर्जी है। अब ये जो फॉरवर्ड बायस है एमिटर बेस जंक्शन पे, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को अलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कलेक्टर बेस जंक्शन पे रिवर्स बायस है ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को मिस अलाइन करने की कोशिश करता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, चाहे वो एमिटर से बेस रीजन की ओर हो या बेस से कलेक्टर रीजन की ओर हो, वो कुछ एनर्जी लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब बेस रीजन में पहुंचते हैं तो रिकॉम्बिनेशन जब होता है होल्स के साथ, उस कंडीशन में भी थोड़ी सी एनर्जी लूज हो जाती है। अब यहाँ पे फिगर में दिख रहा है जो पोटेंशियल हिल है फर्मी लेवल का, यहाँ पोटेंशियल हिल बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, पोटेंशियल हिल जो बन रहा है बेस और कलेक्टर रीजन पे, ये स्टीप है, नीचे की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो मूव करेंगे बेस रीजन से कलेक्टर रीजन की ओर, वो ज़्यादा एनर्जी लूज करेंगे एज़ कम्पेयर टू जब उन लोग मूव कर रहे हैं एमिटर से बेस रीजन की तरफ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन से कलेक्टर रीजन की ओर मूव कर रहे हैं, उन लोग एनर्जी लूज कर रहे हैं हीट के फॉर्म में, और ये वाली रीजन उस एनर्जी को डिसिपेट करने का कैपेबिलिटी रखना चाहिए, इसीलिए जो कलेक्टर रीजन का विड्थ है हम लोग ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बेस और एमिटर रीजन। अब एमिटर बेस जंक्शन पे बैरियर कम है, और कलेक्टर बेस रीजन पे जो बैरियर है वो ज़्यादा स्टीप है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है जल्दी से यहाँ पे इस पोटेंशियल हिल के कारण, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। और कुछ होल्स भी पी रीजन से एन रीजन की ओर डिफ्यूज करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।